दोस्तों आप लोगों का स्वागत है आप सबका अपने ही स्पोर्ट्स चैनल पर। आज मैं आपको इस वीडियो में बात करूंगा वुमेन T20 के बारे में, पाकिस्तान वुमेन वर्सेस सदवा वुमेन के बीच में। तो एक मैच हो चुका है, 5 मैच उसकी T20 सीरीज है दोनों के बीच में। तो सदवा ने पिछला मैच में 119 रन बनाए थे 20 ओवर में, और बड़े ही आराम से पाकिस्तान वुमेन ने 120 रन मार दिए, वह भी 18 ओवर में ही। तो मुझे नहीं लगता कोई चेंज करना चाहिए पाकिस्तान की ओर से, लेकिन साथ ही कुछ ना कुछ चेंज जरूर कर सकती है। बात कर लेता हूँ आपकी विनिंग की। कल जो मैंने मैच खेली थी आप देख सकते हैं, मैंने 230 रुपीज़ लगाए थे, 400 बड़े आराम से विन कर लिया। आप देख लीजिए पॉइंट डिफरेंस 20 अलग पॉइंट डिफरेंस है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या हो सकती है मेरी ड्रीम इलेवन टीम, और एक और ऐप एप्लीकेशन खेलता हूँ प्ले स्पॉट, और उसकी भी टीम दूंगा दोस्तों। तो उससे पहले एक और बात बोलना चाहता हूँ, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको फाइनल टीम यहीं मिलेगी, और जो भी न्यूज़ आती है जैसे प्ले 11 और भी कोई न्यूज़ आती रहती है तो आपको यहीं मिलेगी दोस्तों, और इंजरी न्यूज़ जो भी अपडेटेड न्यूज आती रहती है आपको ही मिलेगी, और फाइनल ड्रीम इलेवन टीम और प्ले स्पॉट टीम यही मिलेगी। क्योंकि ड्रीम इलेवन में टॉस के बाद आती है प्ले इलेवन, प्ले इलेवन एक दो चीज़ हमेशा हो जाते हैं, उसके हिसाब से मैं अपनी टीम भी एडिट करता हूँ, फाइनल टीम आपको वहीं देता हूँ। तो ज्वाइन करना बहुत ही ज़रूरी है, आपको देख सकते सारी न्यूज़ यहीं मिलेगी, प्ले इलेवन जो भी आती है सब कुछ यहीं मिलेगी। तो अगर लिंक से काम ना करे तो आप स्पोर्ट चैनल सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर, अपने आप मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं क्या मैंने बनाई है प्ले इलेवन, और पिछला क्या परफॉर्मेंस ला प्लेयर्स का मैच में। तो सबसे पहले पाकिस्तान वुमेन की देख सकते क्या हो सकती है लाइकली इलेवन। तो सोहेल है ओपनिंग कर, पिछले मैच में 19 रन मारे, फिर उसमें जेवियर ऑफ ने भी ओपनिंग किया था लेकिन सिर्फ 0 पे आउट होगी, और मुझे लगता है इनके बदले सीधा अमीन या जेवियर खान खिलाना चाहिए। फिर यहाँ से बिस्मा मरूफ है 53 रन पारी खेली, एंड यहाँ से नीता दार जो 53 रन पारी भी खेली और प्लस 2 विकेट भी निकाले। फिर जावेद दे 1 रन नॉट आउट रही, फिर आलिया रियाज 1 विकेट, सनावीर में 3 विकेट निकाले, और यहाँ से सिद्धरा मिश्र सबका बैटिंग ही नहीं आ पाया। फिर नशा संधु ने भी 1 विकेट निकाला, ना इम्तियाज और फातिमा सना 1 भी विकेट नहीं निकाल पाया। वैसे इनके में बहुत सारे प्लेयर हैं, इनको खिलाया जा सकता है, बहुत सारे प्लेयर जो है ऑप्शन में। तो ये हो सकती है प्ले इलेवन मेरे हिसाब से पाकिस्तान वुमेन की। बात करें सदवा वुमेन क्या हो सकती है, आप यहाँ देख लें ली और जिनके और तजमीन ब्रिट्स 0 पर आउट हो चुके थे, लेकिन ली ऐसी बैट्समैन नहीं है जो 0 पर आउट होने वाली, इस मैच में कुछ अच्छा कर सकती है। फिर कैप है 10 मारे प्लस 1 विकेट भी निकाली। फिर सैन लुइस जो कैप्टन है 10 रन मारी, फिर प्रीज है 23 रन मारी, और ट्रैन 43 रन मारी, यहाँ से विकेट कीपर ने 6 रन मारे। बाकी इनके जो बॉलर है इस्माइल ने भी 20 रन मार दिए, लेकिन विकेट नहीं के जो बॉलर उतना अच्छे नहीं निकाल पाए इसलिए मैच हार गए। क्लास सिर्फ 1 विकेट निकाल पाई, डेनियल्स ने सिर्फ 1 भी विकेट नहीं निकाल, इसी 1 रन मारे। फिर सिकुन्नी ने 1 विकेट निकाले। तो ये पिछला मैच का परफॉर्मेंस रहा, सिर्फ 119 रन मारे 20 ओवर में, और पाकिस्तान उन्होंने बड़े आराम से चेज कर लिए 120 रन, और वो भी 18 ओवर में। दोस्तों आप सोच सकते हैं पाकिस्तान वुमेन ने हरा दिया सदवा वुमेन को। तो ये हो सकती है प्ले इलेवन, और चलिए बात कर लेते हैं कि मैं क्या हो सकती है इंटरव्यू टीम और प्ले स्पॉट टीम। तो दोस्तों ये प्ले स्पॉट एप्लीकेशन है, काफ़ी शानदार एप्लीकेशन है। यहाँ आप कोई भी ड्रीम इलेवन आप हार रहे हैं लॉस कर रहे हो तो आप यहाँ खेल सकते हो, पक्का 100% गारंटी भी नहीं होगी, क्योंकि लो कंपटीशन है, और इसका पॉइंट सिस्टम इतना अलग है ना, मतलब 1 रन का 1 पॉइंट देता है, और अगर स्ट्राइक रेट अच्छा रहा तो उसका एक्स्ट्रा 20-25 पॉइंट मिल जाता है, और बॉलिंग का 1 विकेट का 20 पॉइंट मिलता है, और इकोनॉमी रेट बॉलिंग अच्छा रहता है एक्स्ट्रा 20-25 पॉइंट मिलता है। बाकी सब सेम ड्रीम इलेवन जैसा है, जैसे कैच वाला, छक्का वाले, चौके वाले सब सेम है, बल्कि तो इसी में अंतर है। आप इनिंग समझना होगा पॉइंट सिस्टम के बारे में। एक और ख़ास बात है, आपको यहाँ 100 रुपीज़ तक फ्री दे रहा खेलने के लिए, 100 रुपीज़ तक मिलेगा। कैसे मिलेगा, जैसे आप किसी का रेफरल कोड यूज़ करके साइन अप कीजिएगा तो ये बोनस आपको मिल जाएगा, और ये जो बोनस जो भी देता है यहाँ 100% यूजिबल है, 100% यूजिबल है। और ये भी ऐसा नहीं, वैसा नहीं है जो अरे हमेशा वही ग्रैंड लीग में यूज़ करने देगा, ऐसा नहीं है। ये हमेशा चाहे आप स्मॉल लीग में, चाहे कोई भी लीग होती है, जितनी सारी ये लीग बनाती है सब में 100% बोनस यूजिबल। ये आपसे पूछता भी नहीं इतने परसेंट यूज़ करो, अपने आप
अगर बोनस है अपने आप यूज कर लेता है। लो कंपटीशन विनिंग अच्छा है, ट्राई बहुत किसी का। मैं अब कल की विनिंग दिखाया था मैं आपको, वेस्ट में बांग्लादेश पैसा लगाया था मैंने, आप देख सकते हो मैंने 172 लगाए थे, 300 बड़ा आराम से मिल गया। वेस्ट इंडीज़ भर से बांग्लादेश के बीच में मैच था, लो कंपटीशन इसे विन कर लेता हूँ आराम से। और आप मेरा बैलेंस भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं बैलेंस, ट्राई ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और यहाँ एक और बात, खास बात है, मात्र 5 सेकंड के अंदर में पेटीएम विड्रॉ देता है, और बैंक अकाउंट में भी 5 सेकंड के अंदर में विड्रॉ का ऑप्शन है। और एक और आप देख सकते हैं, गेट 10% अमाउंट ऑन रेफरल ज्वाइनिंग, और आप किसी के रेफर कीजिए एक्स्ट्रा और 10% मिल जाएगा। एक और आप देख लीजिए, 25% कैशबैक फॉर न्यू यूजर्स ऑन फर्स्ट डिपॉजिट, ये भी ऑफर दे रहा है, फायदा उठा लीजिए। चलो चलिए क्या हो सकती है मेरी टीम प्लेसमेंट की देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से मैंने विकेट कीपर में ली को ही पिक किया, क्योंकि बहुत अच्छी बैट्समैन है, आते ही हिट लगाती है, और चल गई तो काफ़ी अच्छा कर सकती है। ऑप्शन में आपके पास सिद्धरा नवाज भी है और जफ्टा भी है, लेकिन फ़ायदा उतना ही है, क्योंकि ली चल गई तो इन दोनों को लेना पूरा बेकार चल जाएगा। बात कर ले ऑलराउंडर में, तो कैप को पिक कर लिया हूँ, दार को पिक किया, नीता दार एहसान आमिर को पिक किया, आप यहाँ से सिन लुइस को पिक कर सकते हैं। और यहाँ ऑप्शन में बात करें, ट्रायन भी इनको पिक कर सकते हैं, इम्तियाज़ भी इनको पिक कर सकते हैं, तो ये सब प्लेयर का पिक कर सकते हैं। बॉलिंग बात करें, बॉलिंग में मैं फातिमा साना को पिक किया हूँ, ये तो हल्की रिस्की जरूर हो सकती है, इनको ड्रॉप किया जा सकता है, लेकिन बॉलिंग अच्छी की थी, 3 ओवर में 18 रन दिए थे दोस्तों, लेकिन विकेट नहीं निकाला, लेकिन इनका जो मिला 31 पॉइंट मिला है 3 ओवर में 18 रन, आप देख सकते हैं इकोनॉमी रेट का मिला है, इकोनॉमी रेट, बैटिंग भी नहीं आया था, आप देख सकते एक्स्ट्रा इकोनॉमी रेट का 30 पॉइंट मिल गया, तो आप सोच सकते हैं कैसा पॉइंट सिस्टम देता है। आप समझना होगा इन इसके पॉइंट सिस्टम को प्लेस पढ़ के, मैं समझ चुका, अगर आप मेरी टीम से खेलिएगा हमेशा बात कर रहा हूँ 99% विन कीजिएगा। मेरी टीम अपनी फाइनल टीम आपको अपने टेलीग्राम चैनल में देता हूँ, साइन अप कर ले दोस्तों, मेरा रेफरल कोड यूज़ करके बोनस ले ले, आराम से खेलिए, काफ़ी आराम से विनिंग होगी, ईजिली आराम से विनिंग करेंगे आप। बैटिंग बात करें, बैटिंग में भी इसमें मारू को पिक कर लिया हूँ, यहाँ से तमीम ब्रिट्स को एंड यहाँ से सोहेल को, मैं सोहेल, तो क्रेडिट मैनेज के लिए दोनों प्लेयर को पिक किया हूँ। बाकी ऑप्शन में ब्रिज है, इनको पिक कर सकते हैं, क्रेडिट नहीं मेरे पास यहाँ से, और कोई यहाँ से जावेरी रफ को ड्रॉप किया जा सकता है, तो यही है ऑप्शन में, एक दो ऑप्शन में। कैप्टन में रहेंगे यहाँ से नीता दार, जो बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रही है, अच्छे कर रही है, यहाँ से वाइस कैप्टन रहेगी, मैंने कैप रहेगी, अभी बैटिंग बॉलिंग फर्स्ट टाइम बैटिंग करने आती है। ऑप्शन बात कर ली को बना सकते हैं आप, अच्छा कर सकती है, बाकी और सनामीर को बना सकते हैं, और एक्सन ल्यू से जो कैप्टन है उनकी साथ वुमेन की, उनको बना सकते हैं, ये टीम होगी मेरी प्ले स्पॉट की। और कोई भी न्यूज आता है तो आपको अपडेट कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, फाइनल टीम वही दे दूंगा। आप जैसे बहुत सारे यहाँ लीग हैं, और सब में 100% यूजबल है, यहाँ इसमें सारे लीग में 100% बोनस यूजबल है, यही अच्छा करता है कि 100% बोनस यूज़ करने देता है, ऐसे रील में तो बोनस पड़ा रह जाता, टाइम ख़त्म हो जाता, पैसा को वापस ले लेता है। ड्रीम टीम फाइनल नहीं है, फाइनल आपको टॉस के बाद ही मिलेगी, तो ज्वाइन कर ले मेरे टेलीग्राम चैनल। तो यहाँ ने विकेट कीपर में यहाँ ने पिक किया नवाज को, पिक किया हुआ मैंने, बाकी जपटा का बहुत नीचे बैटिंग करने आती है, नवाज भी कभी नीचे बैटिंग करने आती है, लेकिन तो दोनों में कंपेयर करें तो नवाज का भी अच्छी ऑप्शन हो सकती है। बैटिंग में यहाँ से पिक किया ली को, पिक किया हूँ मारूफ को, पिक किया हूँ सोहेल और प्रिज में कन्फ्यूज हो कि इनको लूँ, और सोहेल जो जल्दी आउट हुई तो गई, और प्रिज अच्छी कर सकती, बैटिंग आ गई तो अच्छी बैट्समैन दोस्तों आ गई, तो अब बैटिंग तो आ ही जाएगी, लेकिन कितने बॉल मिलते हैं खेलने के लिए वो डिपेंड करता है, तो इसमें कन्फ्यूज हो किसको लूँ, यहाँ से मैं अभी फिलहाल प्रिज के साथ जा रहा हूँ, बाकी यहाँ से ब्रिज के साथ जा रहा हूँ क्रेडिट मैनेज करने के लिए। ऑलराउंडर बात करूँ तो ऑलराउंडर में वही कैप को, सनामी, निदादार को पिक किया हूँ, फिर यहाँ से सन लुइस से इनको पिक कर सकते, ट्रैन इनको पिक कर सकते हैं, इम्तियाज इनको पिक कर सकते हैं। बॉलिंग बात करूँ राशा संध को पिक किया हूँ, क्लास को पिक किया हूँ, सिकोनी को पिक किया हूँ। ऑप्शन बात करें तो इस्माइल है, आलिया रियाज है, सना है, डेनियल्स है, यही दो चार ऑप्शन में है। कैप्टन में रहेंगे वही सेम रहेगी, कहाँ गए निदादार, वाइस कैप्टन, कैप, इनको बना लिया कैप्टन वाइस कैप्टन। ये प्रीव्यू है मैच टीम का, देख सकते हैं
दोस्तों वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दे, और चैनल जिन भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दे। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते, और वीडियो को शेयर भी जरूर कर दे, और कुछ कमेंट करना चाहे कमेंट कर सकते हैं, चाहे जो भी कुछ सलाह देना चाहे। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक एंड कीप विनिंग।